लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, बच्चों आशा है आपने गुरु पूनम का पर्व धूमधाम से मनाया होगा और सभी ने पूज्य गुरुदेव का मानस पूजन का लाभ भी लिया होगा। क्या आपको पता है अपने बाल संस्कार केंद्र के साप्ताहिक वीडियो पाठ्यक्रम का एक वर्ष पूरा हो गया है। अब तक पूरे 52 वीडियो पाठ्यक्रम बन चुके हैं जो हर शनिवार को YouTube चैनल पर प्रकाशित होते हैं। ये वीडियो पाठ्यक्रम आज देश और विदेश के सभी बाल संस्कार केंद्रों और कई विद्यालयों में चलाया जाता है, जिससे न जाने कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। आप सभी बच्चों को साधुवाद है कि आप स्वयं तो बाल संस्कार केंद्र से जुड़े हैं ही, पर दूसरे बच्चों को भी जोड़ने की सेवा करते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी सात सात पीढ़ियां तारनी हो, उसे सत्संग में लेकर आओ। किसी को सत्संग में लाना एक महान पुण्यमय कार्य है। आप सभी के माता पिता को भी धन्यवाद है कि बच्चों को बाल संस्कार केंद्र के वीडियो सीरीज से जोड़कर उनको मोबाइल फोन और इंटरनेट का सदुपयोग करना सिखाया। वीडियो पाठ्यक्रम का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हम महापुरस्कार का प्रावधान करेंगे। जो बच्चा सभी प्रश्नों के सही जवाब देगा और जो गृह कार्य करके लाएगा, उन्हें अगले सप्ताह पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस बार का बाल संस्कार केंद्रित है पुरुषार्थ पर। जीवन में सत्संग और शास्त्र के मार्गदर्शन में यदि पुरुषार्थ किया जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। प्राणायाम। सभी बच्चे बुद्धिवर्धक भगवत प्रीति युक्त प्राणायाम करेंगे। गहरा सांस लो और अंतर्यामी प्रभु का नाम पुकारना है प्यार से। बड़ा आनंद आएगा, रक्त पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी और भगवान प्रसन्न होंगे। अच्छा लगता है ना, फिर से करो बबलू। आनंद आ रहा है ना। तीसरी बार चौथी बार गहरा श्वास। हाथ ऐसे रखोगे थक जाएगी कोनिया, ऐसे रखो आराम से। गहरा श्वास, याद शक्ति बढ़ेगी। पांचवी बार बल बुद्धि बढ़े और भगवान प्रसन्न हो। पांचवी बार गहरा श्वास, ओम स्वरूप ईश्वर को भरो भरो। अब हम करेंगे हरिओम का दीर्घ गुंजन। श्वास लो लंबा। हरी ॐ
बच्चों अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ॐ गणपते नमः। ॐ गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। नतेतराकि भीकरं नवोदितार्क भास्वरम्। न मत्सुरारि निर्जरं न ताधिकापदूढरम्। सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरम्। महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरंतरम्। जो सदैव नवीन सूर्य की भांति चमकते हैं, जो घमंड से भरे हुओं के लिए भयंकर रूप धारण करते हैं, जो देवों के द्वारा नमस्कृत है और जो कभी न वृद्ध होने वाले हैं, जो शरणागत की बाधाओं को दूर करते हैं, उन सुरेश्वर निधीश्वर गजेश्वर गणेश्वर महेश्वर का हम मन बुद्धि सहित आश्रय लेते हैं। बच्चों अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी। बच्चों अब बारी है कहानी की। क्या आपने कभी पाणिनि का नाम सुना है? एक लड़का था बिल्कुल महामूर्ख। नाम था उसका पाणिनि। वो इतना मूर्ख था कि 14 साल की उम्र तक वो पहली कक्षा भी पास नहीं कर पाया। हर वर्ष पिता की नाराजगी और डांट मिलती। आखिर माँ ने भी कह दिया कि तेरे जैसे महामूर्ख से तो अच्छा होता मेरे पेट से पत्थर पैदा होता। 14 साल की उम्र में माता पिता की डांट से वो इतनी गलानी से भर गया कि उसने आत्महत्या करने का विचार कर लिया। वो आत्महत्या करने के लिए कुएं पर गया तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि महिलाएं पानी खींचती थी तो रस्सी से पनघट के पत्थर पर निशान पड़ गए। उसने सोचा कि रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है तो अभ्यास करने से मैं भी बुद्धिमान बन सकता हूँ। उसने आत्महत्या के विचार त्याग दिए और एक समर्थ गुरु को खोज लिया।
गुरु ने उसे शिवजी का ओम नमः शिवाय मंत्र दिया और जप करने का सही तरीका बता दिया। पाणिनि उत्साह पूर्वक जप करने लग गया। बच्चों, जैसे डायनमो घूमता है तो ऊर्जा बनती है, ऐसे ही मंत्र बार बार जपते हैं तो आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है। इससे शरीर के रोग और बुद्धि के दोष मिटने लगते हैं। उसने शिवजी की आराधना की। शिवजी तो नहीं आए, लेकिन शिवजी का नंदी आ गया। नंदी ने कहा, भगवान शिवजी समाधि में है, तुम अपना ध्यान भजन चालू रखो। शिवजी समाधि से उठेंगे और डमरू बजाएंगे। उस समय जिसकी जो मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी और डमरू की ध्वनि से वैसा ही अर्थ निकलेगा। पाणिनि जप करता रहा। जब से उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई। जब शिवजी समाधि से उठे तो नृत्य किया और डमरू बजाया, तो डमरू की ध्वनि से पाणिनि को 14 संस्कृत के सूत्र सुनाई दिए। नृत्तावासने नटराज राजो ननाद ढकाम नव पंचवारम उद्धर तु कामह सनकादि सिद्ध नेता द्विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात नृत्य तांडव के समाप्ति पर नटराज शिव ने सनकादि ऋषियों की रिद्धि सिद्धि और उद्धार के लिए 14 बार नवपंच डमरू बजाया। डमरू के 14 बार बजाने से 14 सूत्रों के रूप में ध्वनियां निकली। उन सूत्रों की सहायता से पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बना दिया। पाणिनि मुनि का बनाया हुआ व्याकरण इतना महान है कि आज भी विद्यार्थी पहली से लेकर आचार्य अर्थात MA तक संस्कृत पढ़े तो पाणिनि मुनि का व्याकरण ही काम में आता है। तो देखा बच्चों, गुरु मंत्र के जप और निरंतर अभ्यास और पुरुषार्थ से पाणिनि जैसा महामूर्ख भी महाविद्वान हो सकता है। इसलिए जीवन में कभी विफल हो जाओ तो हताश नहीं होना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात नित सिल पर करत निशान। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी आपको बताइए। पाणिनि कुएं पर गया तो उसने क्या देखा? जब शिवजी ने डमरू बजाया तो पाणिनि को क्या सुनाई दिया? साखियां। अब हम ज्ञानवर्धक पंक्तियां दोहराएंगे। चिंता ऐसी डाकिनी काट कले जा खाए, वैद बेचारा क्या करे कहां तक दवा खिलाए। जैसे तिल में तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है जाग सके तो जाग। सुविचार। उद्धरे दात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। उन्नति की उड़ान। हे विद्यार्थी, पुरुषार्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। जो पुरुषार्थ नहीं करता और भाग्य के भरोसे होकर सोचता है कि देव हमारा कल्याण करेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जिसने अपना पुरुषार्थ त्यागा है उसको सुंदरता, कांति और लक्ष्मी त्याग जाती है। पूज्य श्री कहते हैं, तुम अपने को दीनहीन कभी मत समझो, तुम आत्मरूप से संसार की सबसे बड़ी सत्ता हो। तुम्हारे पैरों तले सूर्य और चंद्र सहित हजारों पृथ्वियां दबी हुई हैं। तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में जागने मात्र की देर है। किसने तुम्हें दीनहीन बनाए रखा है? इन मान्यताओं ने ही ना? तो छोड़ दो उन दुखद मान्यताओं को, जाग जाओ अपने स्वरूप में। आपको मात्र जागना है, बस
इतना ही काफी है। आपके तीव्र पुरुषार्थ और सद्गुरु के कृपा प्रसाद से सब संभव हो जाता है। खेल। अब हम खेलेंगे कुशलता और एकाग्रता का खेल। सभी बच्चे एक पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। सभी अपने दोनों हाथ में एक एक मिट्टी का खाली दिया ले लेंगे। मिट्टी के दिए में एक एक कंचा रख देंगे। फिर सभी बच्चे दिए में से कंचा नीचे गिराए बिना एक निश्चित सीमा तक जाकर वापस अपने स्थान पर आएंगे। जो बिना दोनों कंचे गिराए सबसे पहले आएगा वो प्रथम विजेता होगा। जो बिना दोनों कंचे गिराए बाद में आएंगे वो सभी द्वितीय विजेता होंगे। जिसका एक कंचा गिरेगा, एक बचेगा, वो तृतीय विजेता होगा। संस्कृति सुवास। बच्चों, आज हम जानेंगे शिखा के महत्व के बारे में। क्या आपको पता है माथे पर शिखा रखना क्यों चाहिए? जिस प्रकार एंटीना रेडियो और टीवी की तरंगे ग्रहण करता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड के सूक्ष्म शक्तियों को ग्रहण करने का कार्य शिखा स्थान द्वारा ही होता है। शिखा रखने से आत्मशक्ति प्रबल होती है। मनुष्य धार्मिक, सात्विक व संयमी बना रहता है। देवी शक्तियां रक्षा करती हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक नेल्सन ने लिखा है, सतर्कता का संचालन सिर पर शिखा रखने के स्थान से होता है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर क्लार्क ने कहा है, मैंने जब से इस विज्ञान की खोज की है तब से मुझे विश्वास हो गया है कि हिंदुओं का हर एक नियम विज्ञान से परिपूर्ण है। चोटी रखना हिंदुओं का धर्म ही नहीं, सुषुम्ना की रक्षा के लिए ऋषि मुनियों की विलक्षण खोज है। आजकल फैशन के कारण भारतवासी शिखा नहीं रखते, अपने ही हाथों अपने धर्म व संस्कृति का त्याग कर डालते हैं। लोग हंसी उड़ाए, पागल कहें तो कहने दो, पर संस्कृति का त्याग नहीं करना चाहिए। तो बच्चों बताइए, शिखा क्यों रखनी चाहिए? शिखा रखने से क्या लाभ होते हैं? ज्ञान का चुटकुला। माँ बेटे से, उठ जा, देख सूरज कब का निकल आया है और तू अब तक सो रहा है। बेटा माँ से, तो क्या हुआ माँ, सूरज सोता भी तो मेरे से पहले है। सीख, नित्य सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। क्या करें क्या ना करें? बच्चों, क्या आपको पता है कि दूध के साथ क्या क्या चीज नहीं खानी चाहिए? दूध के साथ कोई भी खट्टी चीज, नमक, दही, लहसुन, मूली, गुड़, केला, पपीता, फल, तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। ये विरुद्ध आहार है। दूध के साथ इन चीजों का कम से कम 2 घंटे का अंतर रहना ही चाहिए। तो बच्चों बताइए, क्या क्या चीज नहीं खानी चाहिए? बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियों को दोहराएंगे। ओम हरि 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 ओम। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया। बड़े भाई का हुआ कुशासन, व्यर्थ हुए माँ के आश्वासन। गए सिद्धपुर साधना करने, कृष्ण के आगे बहाए झरने। सेवक सखा भाव से भीजे, गोविंद माधव तब है रीजे। एक दिन आए कुमाई आई, बोली है भगवन सुखदाय। बड़े पुत्र दुख मुझे झेलने, खून के इस दो बेटे जेल में।
भोले आसुफ सुख पावेंगे, निर्दोष छुट जल्दी आवेंगे। बेटे घर आए माँ भागी, आंसू मल के पावों लगे। ओम हरि 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 ओम। वीडियो सत्संग समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मनोबल को चमत्कारी ढंग से बढ़ाने वाला सत्संग। सम्राट अशोक 20 साल के थे और कुशल राजनेता बने, धर्मात्मा राजा बने सम्राट अशोक। एक बार अशोक का जन्मदिन मनाया जा रहा था, सामने से एक साधु दिखाई दिया। अशोक की जय जयकार हो रही थी, लेकिन एक सच्चे संत को देखकर अशोक रथ में से उतरे, संत को प्रणाम किया। मुनियों को अपना वजीरों को आश्चर्य हुआ। वजीरों ने कहा कि इतने बड़े सम्राट होकर एक संत को प्रणाम करते हो, जरा अपनी इज्जत का तो ख्याल करो। अशोक ने कहा अच्छा, इस सवाल का मैं जवाब तुमको दूंगा। एक थैला दिया अशोक ने उस मंत्री को, उसमें मुंडियां दे दी, मुर्गी की मुंडी, बकरे की मुंडी, मछली की मुंडी, सुअर की मुंडी, मनुष्य की मुंडी। बोले मुंडियां बेच के आओ। सारी मुंडियां बिक गए, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी बिकी नहीं। मंत्री वापस आया, बोले ये एक मुंडी नहीं बिकती, और सारी मुंडियां बिक जाती। अशोक ने कहा जो मुंडी श्वास निकलने के बाद किसी काम की नहीं रहती, वो मुंडी अगर भगवान के नाते किसी संत के आगे मैंने झुकाई तो मैंने गलती क्या किया। ईश्वर के नाते किसी संत के आगे जो मुंडी एक दिन खोपड़ा किसी काम में नहीं आएगा, वो खोपड़ा अगर भगवान के नाते किसी संत के आगे झुका तो मैंने गलती क्या की। गलती में तो तुम हो के अहंकार को सजाना चाहते हो, हम तो अहंकार को मिटाकर भगवान से मिलना चाहते हैं। सम्राट अशोक, जिस सम्राट अशोक का सिंबल हमारे नोटों पर अभी तक चला आ रहा है, उस सम्राट अशोक की बात कर रहा हूं। 20 साल के उम्र में उसने राजगद्दी ऐसी तो सुंदर ढंग से संभाली कि अभी भी उनका सिंबल भारत सरकार नोटों पर छाप रही है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। शिवाजी महाराज 19 साल में तोरण का किला जीतकर विजयी बने थे, 19 साल की उम्र में। अभी तुम्हारी उम्र तो बड़ी नहीं है, तुम भी 19 साल की उम्र तक बहुत कुछ कर सकते हो। और सुलभा ने 16 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी। 6 महीने के अंदर योगिक शक्तियों का अनुभव किया सुलभा ने। सुलभा का काम राम में बदलता चला गया, क्रोध क्षमा में बदलता चला गया, भय निर्भयता में बदलता चला गया, और विषाद और दुख सुख और शांति आनंद और माधुर्य में बदलता चला गया। सुलभा ने कहा राजा जनक, मेरे गुरु ने कहा कि तेरे पास ही रिद्धि सिद्धियां आए, तभी भी उसमें फंसना मत, अभी आत्मा का अनुभव करना। गुरु ने मेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और 1.5 साल के अंदर मैंने ये तत्व ज्ञान पाकर जीवन मुक्ति का अनुभव किया है। मरने के बाद भगवान के दीदार होंगे ये बात नहीं, जीते जी मेरा आत्मा ब्रह्म रूप है, ऐसा मैंने साक्षात्कार कर लिया। राजन, मैं तुमसे इसलिए सवाल पूछने आई हूं कि मुझे तो 2 साल एकांत मिला, मुझे तो गुरु की दीक्षा मिली, मैंने तो योग अभ्यास किया, मैंने तो नमक बिना का थोड़ा कम नमक वाला भोजन किया, प्राणायाम किए, जप किया, ध्यान किया, कुछ समय मौन रही, तभी मेरी शक्तियों का विकास हुआ। लेकिन जनक, तुमने तो घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा का दीदार कर दिया, ऐसी बात सुनाई पड़ती है। इसलिए मेरा सवाल है कि तुमको चुटकी भर में परमात्मा मिल गया तो दूसरों को क्यों नहीं मिलता है। जयराम जी की, अगर घोड़े के रकाब में पैर डाल के ईश्वर की प्राप्ति हो सकती इतनी चुटकी भर देर में, तो फिर इतने सारे शास्त्र, इतने नियम, प्राणायाम, जप, ध्यान, संयम, साधन की क्या जरूरत है। मैं ये सवाल पूछने आया हूँ, शास्त्रार्थ करने आया हूँ। जनक बोलता है कि देखो सुलभा, जनक किसको बोल रहा है, मिथिला का सम्राट, एक छत्र सम्राट, वो सुलभा के सवाल पर प्रसन्न होता है और हृदय की सच्चाई रखकर जवाब देता है कि हम अगले जन्म में गुरु के आश्रम में साधना करते थे। मेरा छोटा गुरु भाई था, उसके हमने मजाक उड़ाई और उसकी ताल पर हमने टकोरे मारे।
इतने में गुरुदेव आ गए नदी किनारे, और छोटे विद्यार्थियों का बड़ा विद्यार्थी अपमान करता है ये बात को जानकर गुरुजी जरा नाराज हुए। गुरु ने श्राप दे दिया कि तुम कितनी भी साधना करोगे तुमको परमात्मा का दर्शन तभी होगा, ब्रह्म ज्ञान तभी होगा जब ये छोटा विद्यार्थी ब्रह्म साक्षात्कार करेगा और यही तुम पर कृपा करेगा, तभी तुम्हें परमात्मा का दीदार होगा। इस सृष्टि में उम्र से भले कोई छोटा बड़ा होता हो, लेकिन तत्व से तो सब में वही बड़ों का बड़ा परमात्मा बैठा है, इसलिए किसी छोटे का अनादर न करो। जयराम जी की, क्या पता आज का छोटा विद्यार्थी कल का नेता बन जाए और नेताओं का गुरु बन जाए और गुरुओं का गुरु ब्रह्मवेता महापुरुष साक्षात्कारी पुरुष बन जाए, विश्व गुरु बन जाए। इन नन्हे मुन्ने बच्चों में से तो होते हैं, हम भी तो तुम्हारे जैसे नन्हे मुन्ने थे। जयराम जी बोलना पड़ेगा, अभी देखो बापू जी शक्ति भक्ति और मुक्ति। जनक बोलते हैं कि इसी कारण ये अष्टावक्र महाराज को इस जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। ये गुरुजी मेरे 12 साल के और मेरी लंबी उम्र है, लेकिन वो जो गुरु का अगले जन्म का ब्रह्मज्ञानी गुरु का दिया हुआ वरदान और या श्राप कहो, वो यहाँ फलित हुआ। मैंने घोड़े के रकाब में पैर डाला, अगले जन्म की हुई साधना थी, इस जन्म का सुना हुआ सत्संग था, सत्चरित्र था, इसके कारण मेरे को गुरु का उपदेश सुनने मात्र से वो पर्दा हट गया। जैसे लाइट की फिटिंग है तो केवल स्विच ऑन करना ही रह जाता है और रोशनी हो जाती है, ऐसे ही मेरी पूर्व की तैयारी थी और अष्टावक्र गुरुजी ने कृपा करके कृपा दृष्टि डाल के स्विच ऑन कर दिया और मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। सुलभा ने कहा साधु साधु साधु, मतलब धन्यवाद धन्यवाद। अब मेरा दूसरा सवाल है राजन, आपको भगवान का रस मिल गया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, तो जिसको भगवान का अनुभव हो गया उसको भगवान के रस से बढ़कर दुनिया में त्रिलोकी में और कोई ऐसा रस नहीं। तो जब भगवान का अनुभव हो गया आत्मा परमात्मा का, फिर तुम तख्त सिंहासन चंवर छत्र और राजाधिराज महाराजा अन्नदाता घणी खम्मा, ये सुंदरियों के छनन छनन करते हुए लाखों करोड़ों रुपए के गहने गांठे छन छन आते हैं और तुम उनके हवाल झेलते हैं और हुकूमत का मजा ले रहे हैं, तो अंदर के मजे से क्या आपकी बाहर की हुकूमत का मजा ज्यादा दिख रहा है तुमको? भारत की कन्या की अक्कल कितनी सूक्ष्म है, ऐसा नहीं? दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, गाना गाती जाती है, रोटी करती जाती है, उसके हाथ की रोटी खाएगा उसकी खोपड़ी के भी तो टुकड़े हजार हो जाएंगे, मन कहीं का कहीं भागता रहेगा। सुलभा के दूसरे सवाल से जनक ने कहा कि देख सुलभा, मेरे को गुरुजी ने आत्म सुख का अनुभव करा दिया है, अब मैं एकांत में जाकर अकेला आत्म सुख लूंगा, लेकिन ये परंपरागत मुझे जो राज्य प्राप्त हुआ है, अच्छे आदमी अगर राज्य सत्ता छोड़ देंगे तो फिर गलत आदमियों के हाथ में स्टेरिंग आ जाएगा, इसलिए गुरु ने आज्ञा किया कि तुम राज्य तो करो। और राज्य की ये यूनिफॉर्म है छत्र चंवर और ये सब जो है ये राज्य की यूनिफॉर्म है, उस राज्य की यूनिफॉर्म का मैं उपयोग करता हूँ, अहंकार बढ़ाकर उपभोग नहीं करता हूँ, इसी कारण मेरे राज्य में बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े जोगी हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, उनका मैं आदर करता हूँ, और दुष्ट चोरों से डाकुओं से और दुष्ट अमलदारों से प्रजा की सेवा करना रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ, अच्छे अमलदारों का प्रमोशन करता हूँ और दुष्टों को दंडित करता हूँ, इसलिए मेरा राज्य भी अच्छा चलता है और मेरा दिल भी अच्छी खुशी की अनुभूति करता है। हरे ओम माँ हरे ओम माँ हरे ओम माँ हरे ओम माँ हरे ओम। तो बच्चों बताइए, सुलभा ने राजा जनक से कौन से दो प्रश्न किए? गृह कार्य। सभी बच्चे अपने किसी एक मित्र को बाल संस्कार केंद्र के बारे में बताएंगे और अगली बार उसे लेकर भी आएंगे। ये आप अपनी डायरी में लिखकर लाएंगे कि आपने किस साथी को बाल संस्कार केंद्र से जोड़ा। बाल संस्कार केंद्र का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगता है, ये वीडियो के कमेंट में लिखकर बताएं। दीप ज्योति एवं आरती।
सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिरनताओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जोरदय में सोहम नाद जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई चित शक्ति को जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा विनाशी जीवन में सतगुरु अविनाशी चरणन शरण लगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं तुम सम हमको नाहीं। दीन दयाल को बेनती सुनहु गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तुहें पिता तेरी लाज। हरी हरी ओ, 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 ओ। साधक मांगे मांगना प्रभु दी जो मोहे दोय, बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो, बापू हमारे स्वस्थ रहे आयो लंबी हो। हरी हरी ओ, 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 ओ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए परम पुरुष जगदीश। अब हम सभी बच्चे विश्व मांगल्य के लिए वेद भगवान की ऋचाओं का पाठ करेंगे। ओम दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, शांतो मुच्येत बंधेभ्यो, मुक्तश्चान्यान विमोचयेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु,
सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, सभी दुर्जन सज्जन हो, सज्जन को शांति प्राप्त हो, शांतात्मा मुक्तात्मा हो और मुक्तात्मा दूसरों को बंधन से मुक्त करें। हे ईश्वर, सभी के साथ अच्छा हो, सर्वस्व शांति हो, सभी पूर्ण हो, सब और मंगल ही मंगल हो। अब बारी है कीर्तन और हास्य प्रयोग की। हरि ओम 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 हरि 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 मजा, हरि 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 हरे प्यारे, हरि हरि हरे राम 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 प्यारे, राम 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 प्यारे, राम राम राम। हरि ओम 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 राम 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 हरि ओम हरि ओम 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 आनंद देवा, हरि ओम 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 माधुर्य देवा, हरि ओम 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 परमात्मा देवा, हरि ओम 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 ब्रह्म स्वरूपा, हरि ओम 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 अद्वैत रूपा, हरि ओम 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 सर्वेश्वरा, हरि ओम 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 अद्वैत रूपा, हरि ओम ओम। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए बच्चों, हरि ओम।